यहाँ एनडीएस के बारे में मैं पहले जानती थी थोड़ा बहुत, पर इतना सीरियसली उसके बारे में कभी मतलब नहीं लिया और ना ही कुछ एनडीएस के आने के बारे में सोचा था। पर थोड़ा मोटा बाकी कंप्लेंट थी तो उसके लिए मेरे दिमाग में चलता था ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इससे मोटापा मेरा कम हो। तो फिर मेरे पापा ने एनडीएस सेमिनार में जाने का निश्चय किया, मुझे बताया। शुरू में मैंने मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, कच्चे पे कैसे रख लूंगी, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे खाने का बहुत शौक था। पर जैसे पहले दिन आए, खाना खाया कच्चा, और पहले दिन तो थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं होगा, फिर दूसरे दिन से तो मतलब जैसे मेरी मान्यता ही बदल गई। और आज सेमिनार का सातवा दिन है, पर 7 दिनों तक तो मतलब जैसे इतने अच्छे से एंजॉय किया और इतने अच्छे से सब चलता रहा, जैसे पक्का भोजन याद ही नहीं आया। और यहाँ पे मतलब जो एनडीएस की है, जो सही पद्धति है, तरीका है, वो सब जाना, क्यों उसके पीछे का साइंस, वो सब हमने समझा। तो सबसे जो नए हैं उन सबके लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जब भी आप एनडीएस शुरू करो तो सबसे पहले कोई लॉन्ग शिविर है वो अटेंड करो, उसको पहले सही तरीके से जानो और चालू करो। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर आप YouTube से वीडियो देख के भी ये चालू करो। एनडीए सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है, इसको अपनी लाइफस्टाइल में लो और अपनाओ। और यहाँ धरती बहन के साथ मतलब ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि जितना मतलब जैसे रो फूड कच्चा फूड है उसमें भी इतने सारे ऑप्शन है, जैसे आप पक्का भोजन लेना पक्का ही भूल जाओगे। और मैं सबसे कहती हूँ एनडीए अपनाओ और निरोगी रहो। सबको मेरा नमस्कार।